मेरा ये सौभाग्य है कि मैं ये प्रशस्ति पत्र पढ़ रही हूँ। श्रीमान ओम प्रकाश कोहली जी, वर्ष 1935 में जन्मे श्री ओम प्रकाश कोहली जी का जन्म, कम उम्र से ही ज्ञान अर्जन में गहरी रुचि थी। श्री कोहली जी ने 1957 में हंसराज कॉलेज में बतौर प्राध्यापक कार्य किया और 1960 में देशबंधु कॉलेज से जुड़े, जहां वे वर्ष 2000 तक कार्यरत रहे। आप दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष रहे और 3 कार्यकाल तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। 1975 के आपातकाल के दौरान श्री कोहली जी 18 माह तक मीसा के तहत जेल में रहे। वह यातना काल आपने दिल्ली, आगरा और वाराणसी में बिताया। सेवानिवृत्ति के उपरांत आप शीघ्र ही राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए और शहरी ग्रामीण वित्तीय विकास से जुड़ी स्थायी समितियों के सदस्य रहे। आपने 2 कार्यकाल तक दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। आपके समर्पण और राजनीतिक उत्कृष्टता के कारण वर्ष 2014 में आपको गुजरात का महामहिम राज्यपाल नियुक्त किया गया। साथ ही आपने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त पदभार भी संभाला। श्रीमान कोहली जी ने एक ऋषि तुल्य मार्ग पर चलते हुए अपना संपूर्ण जीवन और चिंतन समाज सेवा, समाज उत्थान के लिए समर्पित किया है। संकल्प भारतीय मूल्य और आदर्शों से प्रेरित जीवन जीने, समाज के विभिन्न वर्गों का सार्थक मार्गदर्शन करने एवं धर्म एवं संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान और स्वयं को राष्ट्र हित में समर्पित कर ऋषि तुल्य जीवन का अतुलनीय दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए श्री ओम प्रकाश कोहली जी का दिनांक 16 जुलाई 2022 को सिविक सेंटर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम ऋषि सम्मान से सम्मानित करते हुए संकल्प गौरवान्वित अनुभव करता है और राष्ट्र निर्माण में उनकी प्रतिबद्धता व समर्पण के लिए उनकी प्रशस्ति करता है। धन्यवाद।